Hello friends, welcome to Global Online University channel. Please like and subscribe the channel and also click the bell icon. So friends, हम group theory पढ़ रहे थे friends. तो group theory में अगला topic आता है friends matrix का. तो friends matrix हम पढ़ेंगे group theory में. तो matrix पढ़ने से पहले friends मैं आपको एक example करवाता हूँ, तो उससे matrix का बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी. तो friends example करते हैं matrix का. तो friends ये आया है, ये question आया है net June 2013 में आया है. तो ये कह रहा है friends the result of C2x into C2y is. तो result बताना है कि C2x, एक मैंने two fold axis symmetry apply करी है x axis पे और multiplication किया है उसका, two fold axis symmetry apply करी है y axis पे. तो friends क्या आता है इसमें, change क्या आता है? तो friends जैसे मैंने यहाँ पे करा है x y z, ठीक है friends. तो C2x मैंने apply करा, तो क्या होगा friends अगर मैं C2 डालूँगा किसी भी molecule पर, तो friends क्या होगा x axis, अगर मैं x axis के respect से C2 डालता हूँ x axis सेम रहेगी, y और z कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स. तो y और z कोऑर्डिनेट माइनस में हो गए. अब इस वाले कोऑर्डिनेट, अब इस वाली मैट्रिक्स का मैंने c2y डाली, मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट से टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं अप्लाई करता हूं, तो फ्रेंड्स क्या होगा y सेम रहेगा, x और z माइनस में चले जाएंगे. तो ये आ गया. अब ये डायरेक्ट किस कन्वर्जन से आ सकता है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा दूं विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, तो फ्रेंड्स क्या होगा z एक्सिस सेम रहेगी, z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x और y चेंज हो जाएगा. तो अगर z की बात करें, z प्लस का है और y और x अलग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये क्या हो गया माइनस x माइनस y. तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो गया c2z, ठीक है फ्रेंड्स. ये मैट्रिक्स हो गया फ्रेंड्स. अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स. जैसे मैं कैरेक्टर्स है, आइडेंटिटी है, ठीक है फ्रेंड्स, एलिमेंट्स है, जैसे कुछ एलिमेंट्स के आपके कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद रखने, एलिमेंट्स है आपका, आइडेंटिटी है, ठीक है फ्रेंड्स, आपका सिग्मा है, मतलब कोई भी प्लेन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी सीएन हो गया, अब सीएन में 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और एसएन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, एन इक्वल्स टू 2, 3, 4, ठीक है फ्रेंड्स. तो इनका कंट्रीब्यूशन देख लो, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑलवेज कंट्रीब्यूशन 3 होता है, और सिग्मा, सिग्मा यानी कोई सा भी प्लेन हो उसका कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 1 होता है, और सीएन का क्या होता है फ्रेंड्स 2 cos θ + 1, और Sn का क्या होता है 2 cos θ - 1, ठीक है फ्रेंड्स. तो cos थीटा की जगह अगर मैं C2 का निकालना चाहूं, यानी टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री रख दूंगा, तो 180 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा. तो ये इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स. अगर मैं 120 रखता हूं तो कुछ और वैल्यू आएगी, 90 रखता हूं तो कुछ और, जैसे C4 C2 C3 C4. अब आपके ये बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, रखने पड़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये बात होगी मैट्रिक्स की. अब अगला, अब आगे आते हैं कि ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. कोई भी ग्रुप है उसको रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके होते हैं. तो पहला तरीका होता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स. तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपका को डिटरमाइन, यानी दो तरीकों से डिटरमाइन किए जाते हैं रिप्रेजेंटेशंस. अब जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिटरमाइन तीन तरीकों से कर सकते हैं, कि 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और बॉन्ड वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स. ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट, और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिटरमाइन ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल आज हम ये पढ़ेंगे कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिटरमाइन करने हम तीनों मेथड से, 3n कार्टेशियन और 3 कार्टेशियंस और आपका बॉन्ड वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स. और एक बात और, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में मतलब डिपेंड करती है दो बातों के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स. एक तो मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ, आपका मॉलिक्यूल किस टाइप का है, कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करता है आपका कि नंबर ऑफ बेसिस सेट, की बेसिस सेट किस टाइप से है, ठीक है फ्रेंड्स. तो अभी मैं देख लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट. तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिटरमाइन वाया आपका 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं. अब आपको पता ही, अगर स्टैंडर्ड अगर कुछ नहीं कहा जाए तो स्टैंडर्ड जेड एक्सिस को ऊपर की तरफ मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो अब अगर मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है वाटर का, जिसका C2V पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये इसका फॉर्मूला ये होता है E आइडेंटिटी प्लस C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ठीक है फ्रेंड्स. तो
अब अगर मैं इसके जेड जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखता हूं कि इसमें कौन कौन से आपके कैरेक्टर्स आएंगे, अब वन रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक को और माइनस वन रिप्रेजेंट करता है एंटी सिमेट्रिक को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो फ्रेंड्स वाटर का, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बिंग। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो वाटर मैंने एग्जांपल लिया है C2V का। तो फ्रेंड्स इसमें मैं जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से अगर मैं आपका कैरेक्टर से निकालने की कोशिश करता हूँ, तो जेड हो गई यहाँ पर है, तो फ्रेंड्स क्या होगा अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ इसमें, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, डू नथिंग की कुछ भी नहीं किया, तो सेम कैरेक्टर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं C2Z की बात करता हूँ, तो मैंने जेड एक्सिस के ही रिस्पेक्ट से लगाई, तो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से लगाई मतलब एक्स और वाई चेंज होंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में चेंज होगा और जेड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो वन कैरेक्टर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मैं एक्स एक्स जेड डायरेक्शन में मैं प्लेन लगाता हूं, तो एक्स जेड क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, तो एक्स जेड डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी वन कैरेक्टर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिग्मा वाई जेड की बात करता हूं, अगर मैं सिग्मा वाई जेड की बात करता हूं, तो ये वाला सामने वाला, तो ये क्या होगा, इस वाले में भी जेड इंक्लूड हो रहा है, तो इसका मतलब जेड एक्सिस इंक्लूड हो रही है, तो इसके सामने भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं, तो अब मैं स्टैंडर्ड एक्सिस, मुझे वाई लेनी पड़ेगी, तो अगर स्टैंडर्ड एक्सिस वाई हो, तो वाई के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स और जेड बन जाएंगे। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर आइडेंटिटी की बात करता हूँ, आइडेंटिटी तो वन ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर C2Z की बात करता हूँ फ्रेंड्स मैं, तो C2Z का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो सेम रहेगा, बट जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बदल जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स जेड के रिस्पेक्ट में भी बदलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक्स जेड के रिस्पेक्ट में भी बदलेगा, बट वाई जेड, ये वाई जेड वाला, ये वाला प्लेन सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेम हो गया। अब आपका आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका एक्स, तो एक्स अगर, अब एक्स एक्सिस आपकी स्टैंडर्ड है, और अगर एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड होती है, तो आइडेंटिटी वन, तो क्या हो जाएगा, C2Z भी माइनस में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जेड के रिस्पेक्ट से लगाता हूँ, तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट फ्रेंड्स, तो आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर एक्स जेड के रिस्पेक्ट से लगाता हूं, तो उसमें एक्स इंक्लूड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। वाई जेड के रिस्पेक्ट में लगाया प्लेन मैंने, ये सामने वाला, तो एक्स एक्सिस है हमारी स्टैंडर्ड, तो वाई जेड फिर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन सबको जोड़ दिया जाता है, तो वन प्लस वन थ्री, माइनस वन वन वन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने आपको थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे बता दिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2009 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब सेकंड करते हैं हम थ्री एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बेस पर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल वही है, वाटर का ही एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब देखते हैं फ्रेंड्स की थ्री एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये वाटर है मेरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल एटम का हर एक कोऑर्डिनेट बना दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अब जैसे ये एक्स वन हो गया, मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड जेड वन, ये ऊपर की तरफ लेते हैं, और ये वाई वन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्स टू हो गया, ये वाई टू हो गया, और ये जेड टू हो गया, ठीक। अब ये आपका एक्स थ्री हो गया, ये वाई थ्री हो गया, और ये जेड थ्री। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए एक मैट्रिक्स बनेगी, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो थ्री एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब हर एक इंडिविजुअल एटम्स का, जितने भी मॉलिक्यूल्स में एटम प्रेजेंट है, उसके अलग अलग से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं, और उनको अलग सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनाए, तो इसके लिए ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, इसका शॉर्टकट आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर मैं C2V की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो C2V, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और क्या आता है इसमें, C2 आता है, ठीक। तो C2 आता है, C2Z होती है, ये स्टैंडर्ड एक्सिस होती है, C2 हो गया। और फिर आता है सिग्मा V, ये क्या होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर सिग्मा V डैश क्या आता है फ्रेंड्स, ये होता है वाई जेड, ओके फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है, यहां पर लिख दो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉलम बनाओ, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स लिख दो, ठीक हो गया।
अब देखते हैं, अगर वाटर के आइडेंटिटी की बात करता हूं तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या होते हैं, डू नथिंग कॉम्प्लेक्स है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो कितने आ गए, तीन के तीन अनशिफ्ट रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सी टू जेड की बात करता हूं तो ये सी टू जेड यहां पर है, ये दोनों वाटर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो कितने अनशिफ्ट रहे, वन अनशिफ्ट रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिग्मा वी एक्स जेड मतलब मॉलिकुलर प्लेन, ये वाला प्लेन, तो इसमें कितने अनशिफ्ट रहेंगे फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कट जाएंगे, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें तीन के तीन अनशिफ्ट रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिग्मा वी प्राइम तो वाई जेड प्लेन मतलब सामने वाला प्लेन, तो सामने वाले प्लेन में ये दोनों फिर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या बच गया, वन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन आ गया। अब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंट्रीब्यूशन याद रख लो, तो अगर ये आपने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन याद रख लिया तो आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आइडेंटिटी का मैंने आपको बताया तीन कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सी टू, अब मैंने सी एन का बताया था टू कॉस थीटा प्लस वन, तो थीटा की वैल्यू 180 डालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस वन आ जाएगा। ठीक, अब सिग्मा बी, अब मैंने बताया था प्लेन का चाहे कुछ कोई भी प्लेन हो तो उसका आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वन हो जाएगा, अब ये भी वन हो जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखना है यहाँ पर और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो तीन तीन नौ होते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा और फिर वन हो जाएगा, तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, इसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, वाया थ्री एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाया शॉर्टकट मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो अब थर्ड तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी इजी है। तो थर्ड तरीके में क्या आता है फ्रेंड्स, होता सेम ही है, बस उसमें बॉन्ड वेक्टर्स लिए जाते हैं इन इन केस ऑफ एटम्स में, मतलब एटम्स के अलावा उसमें बॉन्ड वेक्टर लिए जाते हैं, सी टू भी पॉइंट ग्रुप है ही फ्रेंड्स मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइडेंटिटी होगी और इसमें क्या हो गया, सी टू हो जाएगी जो कि जेड एक्सिस से, ठीक सेम रहेगा। अब फ्रेंड्स बस इसमें ये आ जाता है फ्रेंड्स, आपका एक चीज ये आ जाता है कि क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें आपके बॉन्ड वेक्टर ले लिए जाते हैं, जैसे ये एक बॉन्ड वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर कंसीडर कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात वही रहेगी आपकी, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड उसमें एटम्स थे, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइडेंटिटी में कितने होंगे, डू नथिंग कॉम्प्लेक्स, तो दो वेक्टर दिख रहे हैं तो दो लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सी टू वी में, सी टू वी, अब सी टू किसे डलेगी, ये डलेगी, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, अब अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर कितने अनशिफ्ट रहे, दोनों के दोनों चेंज हो गए तो ये जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब सिग्मा सिग्मा वी यानी ये वाला प्लेन, तो इसमें कितने अनशिफ्ट रहे, इसमें दो अनशिफ्ट रहे, यहाँ पर दो लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिग्मा वी प्राइम क्या हो जाएगा, सामने वाला, तो इस सामने वाले में दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात होती है कि बॉन्ड वेक्टर, जब हम बॉन्ड वेक्टर के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन सभी का वन वन लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन वन वन, तो बस इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मल्टीप्लाई, तो दो एकम दो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दो एकम दो ये जीरो, तो वाया बॉन्ड वेक्टर के हिसाब से आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2020 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।